हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका त्यागी। आज दोस्तों मैं केक बनाने वाली हूँ। देखिए, मुलायम और सॉफ्ट एकदम, बिना अंडे का केक बनाने वाली हूँ मैं। आइए शुरू करते हैं। पड़ेगी, आइए हम उन्हें दी देखते हैं। ये है ट्रीट, ये बिस्कुट का पैकेट लिया है हमने। एक कटोरी मैदा लिया है, ये वलेना एसएस लिया है मैंने 1 चम्मच। एक चम्मच मैं दोस्तों विनेगर लूंगी। आधा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा लिया है। ये 10 से 11 मैंने बादाम लिया है। और दोस्तों ये किशमिश है, ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो उतने यूज कर सकते हो। ये देखिए भैया दोस्तों, मैंने बिस्कुटों को बाहर निकाल लिया है, वो इस तरह से दिखते हैं। हमें उसमें चॉकलेट वाला कलर चाहिए केक में, इसलिए अब मैं इसको मिक्सी में डाल के इनको क्रश कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे मिक्सी में ना अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इसका अच्छा सा एक बारीक पेस्ट बना लिया है। मैं इसको एक बाउल में निकालूंगी। ये हमने एक बाउल लिया है, इसमें मैं मिक्सर को डाल दूंगी। ये देखिए, ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए जिससे हमारा केक एकदम मुलायम और सॉफ्ट बनकर तैयार हो। अब मैं इसमें ये वलेना एसेस डाल दूंगी, ये मैं इसमें विनीगर डाल दूंगी, ये थोड़ा नमक डालेंगे, 1 चुटकी नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैं इसमें दोस्तों थोड़ा सा विनीगर, ये दोस्तों मैं इसमें थोड़ा वेलेना और डालूंगी एसेस। इसमें मैं थोड़ा दूध ऐड करूंगी, दूध मुझे थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है और इसे मिक्स करते रहना है। देखिए, एक ये स्मूदी सा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। इसमें जो लम्स है इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें कोई गांठे नहीं छोड़ना है। थोड़ा दूध और ऐड करूंगी। ये देखिए दोस्तों, अभी इसमें मैं 1 कप आधा कप दूध और डालूंगी, ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें, बस आधा कप। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पेस्ट ये बन गया है।
हमें ये इतना ही पतला रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं रखना है। अब मैं इसमें थोड़ा ऑयल और डालूंगी, एक चम्मच। ये मैं एक चम्मच ऑयल डाल दूंगी इसमें। आप इसमें रिफाइंड से और दोस्तों मैं इसमें है ना थोड़ा सूखा मैदा डालूंगी, जिससे इसमें हमारा केक चिपके ना, एक्स्ट्रा हम निकाल देंगे इस तरह से। कर लो इसको, ये देखिए हमें इस तरह से बाउल तैयार करना है अपना। ये देखिए दोस्तों इसको 2 मिनट हो चुके हैं इस रेस्ट करने के लिए। अब इसमें मैं थोड़ा मैदा डालूंगी, ये मैदा डाल दूंगी इसमें, थोड़ा थोड़ा ऐड करूंगी। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें थोड़ी गांठे हो रहे हैं, मैं इसको थोड़ा और फेटूंगी। ये देखिए इसमें मैं थोड़ा किशमिश भी डाल दूंगी अंदर, थोड़ा ऊपर गार्निश करूंगी, इन्हें अंदर मिक्स कर दूंगी इसमें। आप जो पसंद है ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो दोस्तों, मैं सिंपल ही बनाऊंगी। अब ये पेस्ट मैं इस बाउल में डाल दूंगी। इसको मैं दोस्तों देखो गार्निश करूंगी। ये मैंने बादाम है जो मैंने ये 2 टुकड़े कर लिए इनके, इस पे ऊपर से बादाम डाल दूंगी। ये गोले हैं, मैंने इनको लंबा चाकू से काट लिया है। ये दोस्तों किशमिश है, अब मैं इसे दोस्तों ना ओवन में बनाऊंगी ना कुकर में, मैं इसको एक भिगोने में बनाऊंगी। ये देखिए मैंने इसके लिए एक भिगोना लिया है, इसमें मैं सबसे नीचे ये एक ढक्कन रख दूंगी इस तरह से। ये मैं बाउल इस ढक्कन के ऊपर इस तरह से रखूंगी दोस्तों, ये देखिए। और मेरे पास ये एक लीड है, मैं इसको इस तरह से इस पे ढक दूंगी और गैस ऑन कर दूंगी। इसको दोस्तों मैं केवल 20-25 मिनट के लिए पकाऊंगी, और वो भी मंदी आंच पे। गैस मुझे कम
लो रखनी है इसकी। गैस को आप तेज मत रखना, नहीं तो ये केक जल जाएगा। ये 20 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, मैं इसको अब चेक करती हूँ। मैंने ये स्टिक लिया, मैं इसको इसमें ऐसे डाल के देखूंगी, अगर इसमें चिपका है तो ये थोड़ा मतलब और अभी कच्चा है, अगर ये इस पर नहीं चिपकता है तो हमारा केक बन के रेडी हो चुका है। ये भी चिपक रहा है, यानी इसमें अभी थोड़ी और कसर है। इसको अभी मैं 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको एक बार और चेक कर लेंगे। 2 मिनट हो चुकी है, ये देखिए हमारा केक बन चुका है। ये देखिए, अब मैं इसको इसमें से निकाल लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बाहर निकाल लिया है और मैं इसको अब इस प्लेट में निकालूंगी। ये बाउल अभी गर्म है दोस्तों, मैं पहले इसे चाकू की सहायता से इसे साइड से निकाल दूंगी इस तरह से। और मैं इसे प्लेट पे रख दूंगी, प्लेट इस तरह से करके। मैं कपड़ा यूज करूंगी क्योंकि बाउल अभी गर्म है, इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक बाहर निकल चुका है। ये जो थोड़ा आटा इस पे लगा हुआ है, मैं इसको हटा दूंगी। ये देखिए हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है। ये कितना सॉफ्ट और मुलायम है, इसको आप ज़रूर ट्राई करना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक कितना अच्छा बनके तैयार हो चुका है। ये एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनके रेडी हो चुका है बिना अंडे का। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।